हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बार हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 स्टडी किया था और उसके बुक के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो बच्चों, और मैंने उसे आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहा था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस होमवर्क को कंप्लीट करके रखे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन चैप्टर 3। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर 3, वर्णों वर्णमाला का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लेटर्स अल्फ़ाबेट। ओके, शुरू करते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्णीय अक्षर कहलाती हैं। मुख से यानी मुँह से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जो ध्वनियाँ जो निकलती हैं उनका हम और ज़्यादा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। क्या होता है, वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ, मामा, मामा की ध्वनि है मा जोर आ जोर मा जोर आ, ये मामा है ना। देखिए, माँ, माँ में जो बोलते हैं इसमें आ की मात्रा है ना, तो इसमें आ इसको हम खंड करके लिखते हैं। अबे, पुष्प की ध्वनि है प जोर उ जोर मूर्धन स जोर प जोर आ, ये सब क्या है, पुष्प, पुष्प की ये ध्वनियाँ हैं। इन सब चीज़ों के मिलने से जो हम पुष्प शब्द बोल सकते हैं। हम बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे बस की ध्वनि, स्कूटर की ध्वनि, रेलगाड़ी की ध्वनि, स्कूल के घंटे की ध्वनि। सुनते हैं ना ये सब हम ध्वनि अपने डेली लाइफ में। अबे, वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के दो रूप होते हैं, पहला है स्वर तथा दूसरा व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर्ण वर्ण, अब हम देखते हैं स्वर्ण वर्ण में क्या क्या होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते वर्ण होते हैं। क्या होता है, हिंदी भाषा में 11 स्वर वर्ण होते हैं। अबे, क्या क्या होते हैं, अ आ छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ री ए आई ओ औ, ये सब जो है स्वर वर्ण में आते हैं। अंग तथा अह अन्य वर्ण है। ये जो शब्द, ये जो वर्ण है, ये सब अलग अलग वर्ण होते हैं, ठीक है, जो ना स्वर है और ना व्यंजन है। ये जो है, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अयोगवाह। अबे, व्यंजन वर्ण, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 33 यानी 33। जैसे क से कहाँ तक है, ह तक। क से जितने भी होते हैं वो सब ह तक, क से ह तक सब व्यंजन वर्ण में आते हैं। आप लोग को ये सब चीज़ याद करना है, ठीक है, कि व्यंजन वर्ण में कितने होते हैं, फिर स्वर वर्ण में कितने होते हैं, ये सब। अबे, र ढ हिंदी में आगत दो अन्य वर्ण है। ये सब क्या, दो आगत अन्य वर्ण है। इनका प्रयोग भी व्यंजनों की तरह होता है। क्या होता है, इनका भी प्रयोग जो है हम करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, तो कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 होते हैं, अक्षा त्र ज्ञा स्र, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, जब दो व्यंजन को मिला दिया जाता है तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अबे, हमने सीखा मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अभी मैंने आप लोग को बताया स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को इस चैप्टर को घर में बैठ के फिर से रीड करना है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बुक का क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे। ओके, बाय।